प्रिय छात्रों, व्यवसाय का अध्ययन कक्षा 11वीं के अंतर्गत हम आंतरिक व्यापार के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि आंतरिक व्यापार क्या है। तो पूर्व में जैसा कि बताया था कि आंतरिक व्यापार वे व्यापार हैं जो कि एक देश की सीमा के भीतर किए जाते हैं। अब आंतरिक व्यापार के जो प्रमुख प्रलेख हैं हम उन तो हम आज अध्ययन करेंगे आंतरिक व्यापार के प्रमुख प्रलेख। तो जब व्यापार के अंतर्गत व्यापारियों द्वारा जब माल का क्रय विक्रय किया जाता है, माल को खरीदा और बेचा जाता है, तो उसमें अनेक प्रकार के जो है प्रपत्र या प्रलेख तैयार करने होते हैं, जिसमें हम कुछ प्रमुख प्रलेख हैं इनके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे सबसे पहले है प्रोफार्मा चालान। तो यहाँ व्यापारी जब क्रेता के पास क्रेता के आदेश के अनुसार जो है माल को भेजता है, तो प्रोफार्मा चालान जो होता है एक अनुमानित चालान होता है। इस अनुमानित चालान में जो है जो वस्तु भेजी जा रही है उसकी मात्रा, उसका मूल्य और किस प्रकार से किस साधन से उसको भेजा जा रहा है उसके बारे में उसको जानकारी प्रदान की जाती। तो ये अनुमानित चालान है जिसमें विक्रेता द्वारा वस्तु को भेजने से पूर्व क्रेता को भेजा जाता है। अर्थात यहाँ पर जो वस्तु विक्रेता द्वारा क्रेता के आदेश पर भेजी जानी है वो वस्तु भेजने के पूर्व जो है एक चालान की कॉपी जो है वो क्रेता के पास भेजी जाती है। इसमें जो है माल की किस्म, किस प्रकार का माल है, माल की मात्रा कितनी है, माल का मूल्य और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे वजन क्या है और किराया वगैरह और भी जो खर्च उनके लगे माल को भेजने के संबंध में लगना है, उस संबंध में समस्त जानकारी जो है प्रोफार्मा चालान के माध्यम से भेजी जाती है। ये प्रोफार्मा चालान जैसे कि बीजक हमने सामान्य तौर पर सुना है, बीजक से क्या होता है, ये भिन्न होता है। ये माल भेजने के पूर्व लिखा जाता है, अर्थात प्रोफार्मा चालान जो है वो माल को भेजने से पहले ही क्रेता के पास भेज दिया जाता है, जबकि बीजक जो होता है, बीजक जो है वो माल के साथ भेजा जाता है। प्रोफार्मा चालान में जो है बिक्री से संबंधित जानकारी एकदम सही नहीं होती, अर्थात जो माल अभी भेजा जाना है उससे संबंधित जो जानकारी है वो एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए ये क्या अधिकृत बीजक नहीं होता। ये एक प्रकार से सिर्फ सामान्य जानकारी बतौर एक चालान प्रपत्र होता है जिसके माध्यम से क्रेता ये जान सकता है कि जो माल उसने मंगवाया है उसकी किस्म क्या है, उसकी मात्रा कितनी है, उसका मूल्य क्या है और भी जो दीगर उसमें खर्चे जुड़ना है वो किस प्रकार के, किराया कितना लगेगा। तो ये प्रोफार्मा चालान के माध्यम से जो है जानकारी उसके पास, क्रेता के पास माल भेजने के पहले भेजी जाती है, वो कहलाता है प्रोफार्मा चालान। दूसरा जो प्रकार है वो है बीजक, जो अभी हमने बताया। तो जिस प्रपत्र पर व्यापारी उपभोक्ता को वस्तु के विक्रय के बारे में लिखित या लिखित रूप से सूचित किया जाता है वो विक्रय बीजक कहलाता है, अर्थात माल के साथ जो प्रपत्र भेजा जाता है वो कहलाता है विक्रय बीजक। तो दूसरे शब्दों में बीजक जो है वो विक्रेता द्वारा क्रेता को बेची गई वस्तु या प्रदान की गई सेवा का भुगतान करने का क्या है, निवेदन है। इससे बीजक में जो है समस्त प्रकार की जानकारी वस्तु की किस्म से लेकर उसकी मात्रा, उसकी रेट, उसकी कीमत और उसके जो व्यय वगैरह जो है वो सभी इसमें जुड़े रहते हैं। माल को किस साधनों से भेजा जा रहा है और कब तक माल पहुंचेगा, ये सारी जानकारी बीजक में उल्लेखित होती है। तो इसमें जो है बीजक में वस्तु व सेवाओं की सूची का वर्णन तथा मात्रा आदि लिखी होती है, ये जो है तीन प्रतियों में बनाया जाता है। और इसमें जो पूर्व में शर्तें, दर, जो भी कीमत निर्धारित हुई है वस्तु की, उसी शर्तों के अनुसार जो है बीजक पर माल को भेजा जाता है, तो वो कहलाता है बीजक। अब तीसरा बिंदु जो इसमें आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या है, ये भी क्या है, एक व्यापारिक विपत्र होता है जो क्रेता द्वारा तैयार करके विक्रेता को देते हैं, जिसमें विक्रेता के खाते से घटाई गई राशि का वर्णन तथा उसका कारण दिया होता है। इसमें विक्रेता को बताया जाता है कि क्रेता के पास विक्रेता का जो खाता है उसमें कितनी राशि घटा दी गई है। अब अक्सर व्यापार में जो है माल उधार खरीदा जाता है, तो जब उसका भुगतान किया जाता है तो यहां पर क्रेता क्या करता है, क्रेता अपना हिसाब तैयार करता है कि जितना उसने माल खरीदा था उसमें से उतना उतना भुगतान उसने विक्रेता को कर दिया है। इस आशय से जो पत्र विपत्र तैयार किया जाता है वो कहलाता है डेबिट नोट।
अब इसमें जो है, जब क्रेता के खाते से निर्धारित राशि से अधिक मूल्य वसूल किया गया हो, इस शर्त पर लिखा जाता है। दूसरा, जब क्रेता ने क्रय की गई वस्तु को वापस भेज दिया है, अर्थात क्रेता ने विक्रेता से जो वस्तु खरीदी थी और किन्हीं कारणों से नापसंदगी के कारण वो वस्तु क्रेता ने विक्रेता को वापस कर दी, तो यहां पर जो क्रय वापसी है वो उसमें से विक्रेता के खाते से वहां पर माइनस हो जाए, और ताकि अमाउंट भी उसका वहां कम हो जाए। तीसरा बिंदु जो है, जब क्रेता ने विक्रेता के खाते से निर्धारित राशि से कम माल लिया है, अर्थात क्रेता ने जो है यहां पर विक्रेता के खाते में जो उसने दर्ज कर रखा है उससे निर्धारित राशि से कम मात्रा में माल खरीदा है, तो डेबिट नोट जो है वो प्राप्ति के प्रमाण में विक्रेता क्रेडिट नोट जारी करता है, और डेबिट नोट जो है वो नीली स्याही से लिखा जाता है, और डेबिट नोट प्राप्तियों को घटा देता है। तो यहां पर जो है ये डेबिट नोट जो है बिंदु है वो है क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट इसमें जो है क्रेता के खाते में जमा राशि का विवरण तथा उसका कारण दिया होता है। क्रेता के द्वारा जो विक्रेता को राशि भेजी गई है उसकी राशि की जमा का विवरण इसमें होता है, यह डेबिट नोट जो है के जवाब में लिखा जाता है। क्रेडिट नोट जो है वो किसके जवाब में? डेबिट नोट के जवाब में लिखा जाता है। इसमें क्रेता को यह सूचना दी जाती है कि विक्रेता के पास उसके खाते में कितनी राशि जमा कर दी गई है, अर्थात यहां पर जो है क्रेता को क्रेडिट नोट के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि जो माल उसने विक्रेता से खरीदा हुआ है उसका कितना भुगतान जो है उसके द्वारा किया जा चुका है, और इस नोट को जो है हम लाल स्याही से इसको लिखा जाता है। क्रेडिट नोट जो है हमेशा लाल स्याही से लिखा जाता है, और ये विक्रेता के द्वारा लिखा जाता है। क्रेडिट नोट जारी करने के प्रमुख जो कारण है, नंबर एक, जब क्रेता ने विक्रेता के खाते से अधिक राशि वसूल कर ली है। दूसरा, जब आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेता को विक्रय किया गया माल वापस कर दिया गया है, यहां पर जो माल बेचा गया था क्रेता को उसके द्वारा जब माल वापस कर दिए गए। फिर एक क्रेता भी क्रेडिट नोट उस समय भेज सकता है जब विक्रेता ने उससे कम वसूली की हो, अर्थात यहां पर जो है विक्रेता ने के द्वारा जो है उसकी कम राशि उसके खाते में जमा की गई है, तो क्रेडिट नोट जो है जारी करना खाते में प्राप्तियां कम होना दर्शाता है, अर्थात ये ऋणात्मक राशि को भी दर्शाता था विक्रेता के खाते में जो है। यहां पर जैसे जैसे अमाउंट क्रेता के द्वारा आता जाता है वैसे वैसे उसकी प्राप्ति का क्रम जो है यहां पर कम होता चला जाता है, तो ये कहलाता है क्रेडिट नोट। अब यहां हम कुछ प्रमुख अंतर दोनों के बीच में देखेंगे। आशय, डेबिट नोट जो है एक प्रलेख जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को सूचित करता है कि क्रेता के लेखे में विक्रेता के खाते से राशि घटा दी गई है, जो डेबिट नोट कहलाती है, अर्थात ये इससे जानकारी मिलती है कि क्रेता के खाते में कितनी राशि विक्रेता के खाते से घटा दी गई है, वो डेबिट नोट। क्रेडिट नोट जो है ये इसमें सूचना मिलती है कि विक्रेता के लेखे में क्रेता में कितनी राशि यहां पर जोड़ दी गई है, वो क्रेडिट नोट कहलाता है। दूसरा, स्याही, डेबिट नोट जो है हमेशा नीली स्याही से लिखा जाता है, और क्रेडिट नोट जो है वो लाल स्याही से लिखा जाता है। फिर प्रतिउत्तर, किसी के जवाब में नहीं लिखा जाता। डेबिट नोट जो है ये किसी के जवाब में नहीं लिखा जाता, डेबिट नोट जो है ये प्रतिउत्तर में जवाब में लिखा जाता है। फिर प्रतिनिधित्व जो है, डेबिट नोट जो है वो धनात्मक राशि का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात अमाउंट को बढ़ाता हुआ प्रस्तुत करता है, जबकि क्रेडिट नोट जो है ये ऋणात्मक राशि का प्रतिनिधित्व करता है, ये बताता है कि राशि कम से कम होती जा रही है। फिर लेन देन, डेबिट नोट जो है वो प्राप्तियों में कमी करता है, जबकि क्रेडिट नोट जो है वो भुगतान में कमी कर देता है। और अंतिम जो है पुस्तक लेके, इसके आधार पर जो है क्रय वापसी पुस्तक को अद्यतन किया जाता है, और इसकी सहायता से जो है बिक्री वापसी की पुस्तकों को अद्यतन किया जाता। तो ये जो प्रमुख अंतर है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में।
इसके बाद जो पांचवा बिंदु है लारी रसीद क्या है। अब जब माल भेजने वाली कंपनी के पास किसी निर्धारित स्थान पर माल भेजने हेतु अपना माल बुक कराते हैं तब वह माल बुकिंग की जो रसीद देता है वो कहलाती है लारी रसीद। यहाँ विक्रेता जब माल को किसी निर्धारित स्थान पर भेजने के लिए माल को बुक कराता है तो उसके द्वारा जो रसीद दी जाती है वो लारी रसीद कहलाती है। माल प्राप्त करने वाला जो है लारी रसीद दिखाकर जो है माल प्राप्त करने वाला लारी रसीद को दिखाकर जो है माल प्राप्त कर लेता है। जिस स्थान पर माल भेजा जाता है उसके प्राप्तकर्ता को लारी रसीद डाक द्वारा या फैक्स से भेज दी जाती है तो वो कहलाती है लारी रसीद। और अंतिम है यहाँ रेलवे रसीद। रेलवे रसीद जो है रेलवे अधिकृत को निश्चित स्थान पर भेजने हेतु माल सुपुर्दगी की प्राप्ति की क्या है रसीद है। रेलवे जो है इस रसीद को दिखाने पर इसके अंतिम पृष्ठांकिति को सौंप देती है, जिसको ये नामित की जाती है उसको वो ये सौंप देती है। माल भेजने की जो शर्तें हैं उन दशाओं का वर्णन भी इस रसीद के पृष्ठ भाग में लिखा होता है। तो ये एक प्रकार का क्या है अधिकार का पत्र है। यहाँ माल प्राप्त करने वाला जो है भेजने वाले की तुलना में श्रेष्ठ अधिकार नहीं रखता, अर्थात रेलवे रसीद के आधार पर जो है माल प्राप्त करने वाला जो है माल भेजने वाले की तुलना में ज्यादा अधिकार नहीं रखता। तो ये कहलाती रेलवे रसीद। और यहाँ पर हम देखते हैं व्यापार में मूल्य निर्धारित करने की प्रमुख शर्तें। जब व्यापार के अंतर्गत जब वस्तुओं को भेजा जाता है तो उसके अंतर्गत जो मूल्य निर्धारित की जाते हैं उसके लिए कुछ प्रमुख शर्तें हैं, जैसे माल प्राप्ति पर भुगतान। आमतौर पर जो है माल जो भेजा जाता है वो किसी भी साधनों से भेजा जाता है और एक आदेश के तहत भेजा जाता है। तो जब माल जो है मेल आदेश पर भेजा जाता है, या तो मौखिक आदेश हो सकता है, फोन पर आदेश हो सकता है, या मेल के माध्यम से आदेश हो सकता है, तो यहां पर जब भुगतान हो जाता है तभी माल की डिलीवरी की जाती है। अब यदि भुगतान नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में जिस साधन से माल को भेजा गया उस साधन के माध्यम से माल को जो है विक्रेता को वापस सौंप दिया जाता है। यदि कोरियर वगैरह के माध्यम से या डाक माध्यम से हमने माल को भेजा और भुगतान क्रेता के द्वारा नहीं किया गया, माल उसने प्राप्त नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में माल जो है वो वापस विक्रेता को सौंप दिया जाता है। तो कैश ऑन डिलीवरी मतलब नगद भुगतान करने पर ही जो है माल आपको सौंपा जाएगा। तो वो माल जो इसकी शर्त है माल प्राप्ति का पर ही भुगतान होगा। फिर दूसरा लदान माफ। अब यदि लदान मतलब यहाँ पर जो है माल को लारी में लादने से या जहाज पर या रेलवे के वैगन में माल को लादने के संबंध में जो व्यय हुए हैं, तो यदि विक्रेता जो है माल के लदान का व्यय स्वयं वहन करता है तो उसके भी यहाँ पर जो है शर्तें निर्धारित रहती हैं। फिर लागत बीमा एवं भाड़ा, इसमें जो है दिए गए मूल्य में सभी प्रकार के व्यय किराया व बीमे का व्यय भी सम्मिलित होता है। जो भी बीजक के अनुसार जो मूल्य लगाया गया है उस मूल्य में जो है अन्य दीगर जो व्यय है माल को भेजने के संबंध में किराया हो गया, बीमे के व्यय हो गया, और भी जो लदान वगैरह के व्यय हैं वो सब इसमें जोड़ दिए जाते हैं। फिर लोको मूल्य क्या है। लोको मूल्य सामान्य तौर पर जो है यहाँ पर विक्रेता जो है वस्तु की लागत व कुछ लाभ की राशि जुड़ी होती है, जिसे हम मूल रूप से क्या कहते हैं कारखाना मूल्य कहा जाता है। अर्थात इसमें जो है दीगर अन्य व्यय माल का किराया भेजने के संबंध में माल की लदान के व्यय और भी जो अन्य व्यय हैं वो इसमें नहीं जुड़े होते, सिर्फ वस्तु की लागत और कुछ आंशिक लाभ का हिस्सा जो होता है उस मूल्य में जुड़ा होता है। तो यदि लोको मूल्य लिखा हुआ है तो इसके संबंध में मतलब क्या है कि विक्रेता के द्वारा जो है सभी व्यय किए गए हैं नहीं किए गए। तो अब यहाँ पर लोको मूल्य लिखा है तो यहाँ पर आशा यह है कि अब बाकी के जो भी दीगर व्यय हैं वो सब किसके द्वारा किए जाएंगे क्रेता के द्वारा किए जाएंगे। तो वो कहलाता है लोको मूल्य, जिसमें सिर्फ माल की लागत और कुछ आंशिक लाभ का राशि जुड़ी होती है वो कारखाना मूल्य के अंतर्गत लोको मूल्य कहलाता है। फिर रेल व जहाज भाड़ा मुक्त, यहाँ पर जो है विक्रेता के द्वारा जो है रेल भाड़ा तथा जहाज तक लाने ले जाने के जो सभी व्यय यदि विक्रेता के द्वारा किए गए तो यहाँ पर क्रेता को कोई भी व्यय नहीं करना है। फिर लागत एवं भाड़ा अंतिम, इसके अंतर्गत जो है आयातकर्ता या क्रेता के द्वारा
बंदरगाह तक पहुंचाने के जो व्यय होते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं। तो क्रेता के पास तक माल को पहुंचाने के संबंध में जो भी व्यय होते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। और अंत में जो है त्रुटियां या भूलचूक माप, सामान्य तौर पर बीजक में जो है अंत में लेखक के द्वारा ये बिंदु लिखा जाता है, यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि या चूक हो गई है तो वो भूलचूक माप की दृष्टि से लिखी जाती है, और भविष्य में क्रेता यहाँ पर उस संबंध में कोई विशेष प्रकार का दावा ना कर सके इसके लिए जो है त्रुटि एवं भूलचूक माप लिखा जाता है। तो ये जो है व्यापार में जब भी मूल्य निर्धारित किया जाता है तो उसके संबंध में कुछ ये प्रमुख शर्तें। अभ्यास से जुड़े हुए कुछ प्रश्न है। आंतरिक व्यापार के प्रमुख प्रलेख के अंतर्गत प्रोफार्मा चालान एवं बीजक को बताइए। डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, इसको समझाइए। डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बीच आपस में क्या अंतर है स्पष्ट करिए। लारी रसीद व रेलवे रसीद से क्या आशय समझाइए, और व्यापार में मूल्य निर्धारित करते समय किन शर्तों को ध्यान में रखा जाता है।